हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के लखनऊ खंडपीठ में आज पूरे डे हियरिंग हुई। ठीक है, स्टार्टिंग आपको मॉर्निंग में 10:15 टाइमिंग मिला हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में केस टेकअप ना होकर के लगभग 11:30 के आसपास केस टेकअप हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से एलपी मिश्रा जी का आज दिन था, एलपी मिश्रा जी को आज बोलना था, अपनी बात रखनी थी, बहस करनी थी। उन्होंने स्टार्ट किया और लंच तक वो लगातार एलपी मिश्रा जी बोलते रहे। बीच बीच में जज साहब ने भी उनको कहा कि नोटिफिकेशन में 60-65 का अगर जिक्र नहीं है तो 40-45 का भी जिक्र नहीं है, आप 40-45 पर क्यों जोर दे रहे हैं। इसके बाद एलपी मिश्रा जी पूरे रुख से मुड़ गए और उन्होंने फिर बीएड की अवैध एंट्री को लेकर के यहाँ पर बात करनी शुरू कर दी कि बीएड की अवैध एंट्री है, एनसीटीई के गाइडलाइन और रूल को उन्होंने समझाना स्टार्ट किया। इसके बाद बात आगे बढ़ी, इसके बाद लंच हो गया। लंच होने के बाद जो है 2:35 पर केस अगेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वहां पे एलपी मिश्रा जी जहां पे स्टॉप किए तो वहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया और उन्होंने बात करते हुए यही कहा कि कट ऑफ को जो है कम किया जाए। कट ऑफ जो है 7 जनवरी का जो शासनादेश गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो अवैध तरीके से जारी किया है, उसको कम करने की बात हमेशा कर रहे थे। इसके बाद बात करते करते उन्होंने अपना सबमिशन जो है कर दिया। ठीक है, अब जो है शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से सभी लोगों ने अपनी बहस कर चुके हैं, सब लोग सबमिशन कर चुके हैं। अब जो है काउंटर करना था गवर्नमेंट के वकील को, अशोक तिवारी जी भी अपना कुछ पक्ष रखें, बहस किए हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्रा जी ने भी अपना पक्ष रखा। इसके बाद जो है गवर्नमेंट के वकीलों की तरफ से यानी कि प्रकाश चंद्रा जी, अशोक तिवारी जी से कोर्ट से समय मांगा गया। अब समय दे दिया गया है उनको और किस रीजन से समय मांगे हैं, किस रीजन से समय दिया गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कोर्ट ने 18 फरवरी को लगा दी है। हालांकि दिन के 12 बजे लगाई हुई है, 12 बजे से लेके ऑनवर्ड सुनवाई आपकी होती रहेगी, चलती रहेगी और देखते हैं कि 18 फरवरी को शायद अंतिम सुनवाई हो जाए वहां पर और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग हो 18 फरवरी 2019। ओके, देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसा होगा। पल पल की डेट अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखिए, एक बात तो तय है, हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सरकार ने इतनी लंबी डेट इसलिए ली है कि सरकार भर्ती फंसाने का मूड है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो आचार संहिता की बात हो रही है कि आचार संहिता फर्स्ट मार्च ऑफ 2019 को लागू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी आदेश नहीं जारी हुआ है, नहीं लिखा गया है। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाता है तो जारी किया जाएगा, ऐसा कहीं भी वो नियम नहीं है कि इलेक्शन से कितने दिन पूर्व आपको कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना है। ठीक है, मार्च के सेकेंड वीक पे भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, 10 मार्च को भी लागू हो सकता है, 15 मार्च को भी लागू हो सकता है। अभी भी सरकार के पास बहुत समय, क्योंकि सरकार को सिर्फ 15 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। हालांकि कुछ पेज फंसा होगा, कहीं ना कहीं लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कोर्ट में कर रहे थे वकीलों की तरफ से कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो बात यहाँ पर मजबूती से रखने की बात हो रही है कि इस फैसले को दोबारा चुनौती न दिया जा सके। अगर चुनौती दी जाए तो वहां से जीत हासिल न हो, ऐसा ना हो कि सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करना पड़े। तो यहां पर हो सकता है कि कुछ न कुछ मैटर रहा होगा, तभी इतने दिन की डेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मांगी गई है। ठीक है, तो यहां पर जो फैसला आएगा अच्छे से आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ, आपने अपना काम कर दिया हुआ। देखिए, अब ये बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, बाकी आपने मेहनत की, मेहनत का फल आपको मिलना निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। हम मानते हैं कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं एक पेशेंस लेवल जवाब दे रहा है आपका, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लंबी डेट नहीं लगी है, 4-5 डेज में आपको जो है 18 फरवरी की डेट आ जाएगी। इसके बाद डिसीजन आने की संपूर्ण संभावना, डिसीजन जो है इलेक्शन से पहले आपके आ जाएंगे और भर्ती भी इलेक्शन से पहले कंप्लीट होने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि 15 मार्च तक गवर्नमेंट के पास समय है। 15 मार्च तक गवर्नमेंट अपना काम कर लेगी और ज्वाइनिंग भी करवा देगी, उसके पहले भी एक दो नोटिफिकेशन जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आ सकते हैं। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।